सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली अपने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। सारी चीजों को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में क्या आपको इन्वेस्टर रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स को। कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स जितना कम होगा बैंक के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक का मार्च 19 में 5.66% कॉस्ट ऑफ बोरिंग था, मार्च 20 में 5.23% एंड प्रेजेंटली 3.74%, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छा मान सकते हैं। नाउ देख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न। बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसमें कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 5% का गिरावट हम देख सकते हैं एंड कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर 3% का डिक्लाइन हम देख सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड अगर हम देखें तो उसमें 20% का नेगेटिव रिटर्न हम देखेंगे एंड अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए 6.4% का डिक्लाइन हम देखेंगे। नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम जितना अच्छा होगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा होगा। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें उसमें 8% का जंप हम देख सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर क्वार्टर के साथ कंपेयर करो तो -0.9% का गिरावट हम देख सकते हैं। नाउ नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 31% का जंप हम देखेंगे एंड प्रेजेंटली प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 52% का जंप हम देखेंगे। नाउ नेट टोटल इनकम कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर 8.4% एंड कंपेयरिंग टू Q4 FY20 से 15% का जंप हम देखेंगे, जो कि बैंक के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हम कह सकते हैं। नाउ देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखें, सो उसमें 2.6% का जंप हम देखेंगे। उसी तरह अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो 5.6% का जंप हम देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें 25% का जंप हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर, यानी कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से एंड प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 11% का जंप हम देखेंगे। नाउ टोटल प्रोविजनिंग एंड कॉन्टीजेंसीज जिसमें भी हम ये देख सकते हैं कि कंपेयरिंग टू ईयर ऑन ईयर अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें 12.6% का जंप हम देखेंगे, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। उसी तरह अगर हम इसमें प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर करें तो 181% का जंप हम देखेंगे, यानी 4.419 करोड़ था Q3 FY21 एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर 1179, जो कि बैंक के लिए एक नेगेटिव फैक्टर तो है ही ऐसा हम कहेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर जंप हम देखेंगे, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट में भी 33% का जंप हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से उसमें हम -9.3% का डिक्लाइन देख सकते हैं। नाउ FY20 एंड FY21 के बीच अगर कंपेयर करें सो कुछ पैरामीटर्स में बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है, लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम जिसमें हम 14% का जंप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। उसी तरह अगर हम नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी 2% का जंप, नेट टोटल इनकम में 10% का जंप, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम देखें सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी 3% का डिक्लाइन हम देख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फैक्टर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% बढ़ा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से अच्छा हम मान सकते हैं। प्रोविजनिंग ओनली द वर्स्ट फैक्टर जिसमें 31% का जंप आया ईयर ऑन ईयर, वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19% है, नेट प्रॉफिट 17% से बड़ा है। यानी कुछ फैक्टर में बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन प्रोविजनिंग के मामले में बैंक का परफॉर्मेंस निराशाजनक है। सो ये था कोटक महिंद्रा बैंक का Q4 FY21 का रिजल्ट एनालिसिस, जिसमें बैंक ने प्रॉफिट वाइज तो अच्छा खासा जंप दिखा है। प्रोविजनिंग हालांकि बैंक का बड़ा है, लेकिन ये कोविड के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कोविड के कारण लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में बैंक ने उतना ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं किया था। सो होप इन द नेक्स्ट क्वार्टर बैंक का परफॉर्मेंस और ज्यादा सुधरे एंड प्रोविजनिंग घटे, ताकि बैंक में सभी बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सके। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है एंड निफ्टी 50 का पार्ट होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा FII एंड DII एंड FPI फ्लो भी हम देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय। सो हेलो फ्रेंड्स।